सतीश कौशिक के निधन से अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री उभर ही रही थी कि अब जाने माने डायरेक्टर प्रदीप सरकार के निधन से सबको तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दे, फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने 67 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 24 मार्च की सुबह 3:30 बजे उनके निधन की खबर सामने आई है, जिसे सुनते ही एक बार फिर पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर शोक की लहर छा गई है। खबरों के मुताबिक वो डायलिसिस पर थे, उनका पोटेशियम लेवल तेजी से गिरा, जिसके बाद देर रात उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इस दुखद खबर की पुष्टि एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की है। आपको बता दे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे प्रदीप सरकार को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताते चले, अजय देवगन, मनोज बाजपेयी, हंसल मेहता सहित कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रदीप सरकार ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन उनकी फिल्म परिणीता ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में सैफ अली खान और विद्या बालन नजर आए थे। इसी के साथ ही उन्हें उनके टैलेंट के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनकी आखिरी फिल्म हेलीकॉप्टर इला थी, जिसमें काजोल नजर आई थी। इसी के साथ ही टीम बॉलीवुड नाउ की तरफ से प्रदीप सरकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।